भारतवासी गाली दे रहे। ये लोग हैं भड़का रहे, ये वो चिलगोजे जो इधर तो भड़काते हैं समझे। इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ये खाना का घूमते हैं आईटी सेल के, शाम को पौआ मिल जाता है, सारे दिन तक टकराते रहते हैं। ये अब समय आ गया है और ये डराते लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बौखला है, इन्हें रोजगार तो मिला नहीं है, शाम को पौए की रहती है। अगर इन्होंने किसी से लड़े नहीं तो पौआ नहीं मिलेगा। तो पौए है ये कौए की तरह, कहाँ 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 ये मोदी के भक्त है। इन्हें दिया सही तरीके से आप लोगों ने, सख्त दे दिया है, करंट लगा इसको पिछवाड़े में, रात में नींद नहीं आएगी। भारतवासी गाली दे रहे हैं, उसको कह रहे हम नाम नहीं लिया, नाम लिया सामने लिया, नाम लिया नाम लिया नाम लिया कह रहा सनातनी नहीं है, हिंदुओं में कौन हिंदू नहीं रहना चाहिए, राष्ट्रीय संविधान पढ़ो, इंसान इस देश में पढ़ो, संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, संविधान नहीं हिंदू करो करो, हिंदू कौन करो, भारतवासी गाली दो, सबको गाली दो, भारत को गाली मत दो, हमारा भगवान हमारा भारत है, हमारा भारत राष्ट्रीय है, हमारा भारत है नहीं, हमारा किसान भारत है नहीं, हमारा किसान है नहीं, जय जवान जय किसान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनका लोकतंत्र कुछ भी दे सकते हमारे मोदी जी को गाली नहीं दे सकते, मोदी जी को गाली क्यों दोगे, परिभाषा बताइए यही रहा बताइए, सनातन की हम हिंदू इतना ही क्या कर रहे हैं, हमारे पीछे करो कोई धर्म नहीं है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ये हिंदू है, कहाँ से आया हिंदू, हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ है, समझ गया, अब बनारस जा, अब देखो वो हिंदू हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बता कह रहा हूँ, गरीब से बचाने वाला कितना दारू है, छुट्टियाँ दारू कर रहे हो, गाड़ी को गाड़ी दो, कौन है नहीं, पीछे क्या हो रहा है क्या कह रहा, क्या कह रहा, ये भाई अंधभक्त है, क्या ये अंधभक्त है, इसको यही नहीं पता, मैं कह रहा हूँ हिंदू का, तू हिंदू का चहेता, हिंदू लड़की का बच्चा, उसका मोदी वाली दो बलात्कार हुआ, क्या हिंदू लड़की नहीं थी, क्या ये साक्षी जो मैं लिखती है हिंदू नहीं थी, ये लोग हैं भड़का रहे, ये वो चिलगोजे जो इधर उधर भड़काते हैं समझे। इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ये खाना का घूमते आईटी सेल के, शाम को पौआ मिल जाता है, सारे दिन तक टकराते रहते हैं। ये अब समय आ गया है और ये डराते लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बौखला है, इन्हें रोजगार तो मिला नहीं है, शाम को पौए की रहती है। अगर इन्होंने किसी से लड़े नहीं तो पौआ नहीं मिलेगा। तो पौए है ये कौए की तरह, कहाँ 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 ये मोदी के भक्त है। इन्हें दिया सही तरीके से आप लोगों ने, सख्त दे दिया है, करंट लगा इसको पिछवाड़े में, रात में नींद नहीं आएगी। ऐसे ऐसे अंधभक्त है, इस राष्ट्र को पीछे लगा दिया इन्होंने। अंधभक्त तो देश नहीं चलेगा भाई, ये संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र से देश चलता है, संविधान सबको आजादी देता है, हर धर्म मजहब जाति के रहेगा, कहीं अपने को बेचेगा, कहीं अपनी पत्नी को बेचेगा, कभी अपने बच्चे को बेचेगा। तो ऐसे कल्पना, ऐसे रामराज की कल्पना मैं नहीं कर सकता कि हमारी बहन बेटियां चौराहे पे बिके, मंडियां लगे। हमें चाहिए राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र चाहिए, समझे नहीं, हमें कैसा मजबूत है, क्या मजबूत नहीं, मजबूर है भाई, युवा भटक रहा है भैया, युवा भटक रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी जी की मोदी मोदी कर रही है,
और सोशल मीडिया भी वो जो है जो कर लेते हैं मास्टर कर रखा है जिन्होंने, उनको नौकरियां नहीं है कहीं, और नौकरियां नहीं है तो उनके क्या वो न्याय यात्रा में लगे हैं, 20-25 हजार रुपए मिल रहे उसके लिए जा रहे हैं, तो उन्हें माँ बाप ने पैसा लगाया उनके साथ, अब रोजगार नहीं मिल रहा। तो बताओ ये हो रहा पत्रकारों का भी हालत, ये 20 और 25 हजार रुपए में राहुल गांधी को जा रहे करने, इधर मोदी जी को मेन मिनिस्ट्री मीडिया, बाकी देश में है ही नहीं लोकतंत्र। केजरीवाल ने कह राम राज हर महिला को 1000 रुपए करके देंगे, 2500 नहीं चाहिए, काहे के लिए इनके बाप का पैसा है केजरीवाल के, तो दे तो रहे हैं, बाप का पैसा है क्या, इन्हें कहाँ से कम बिजली फ्री, काहे की फ्री, काहे की फ्री दे रहे हैं भाई, वो सुन लो प्राइवेटीकरण है बिजली का पानी का, और तो और गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है, जब तुम आंदोलन करोगे ना दिल्ली के अंदर, 7-7 माले की बिल्डिंगें बन रही है, फ्लैट बन रहे हैं, ठीक है, और जब इन आंदोलन करोगे तो तुरंत ये क्या करेंगे, बिजली कनेक्शन काट देंगे, ना पानी चल पाएगा, ना खाने पीने की व्यवस्था बन पाएगी, गैस लाइन बंद, कर लो आंदोलन, तो गुलाम हो जाओगे नहीं हो जाओगे, तुम्हारी आजादी छीन ली गई है, ये ध्यान रखो, और ना ही पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको बोरिंग करने, मोदी जी का मीडिया तो बिकी हुई है भाई, ये मीडिया दलाल है वो क्यों नहीं दिखा रही, जो इनके ऊपर जुर्माना लगा, 3 जो डकैत जो है पत्रकार है, कौन डकैत, अरे 3 डकैत नहीं है, कौन है वो, अमीश देवगन, तो मोदी के परिवार है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, मोदी के परिवार है, मोदी के परिवार कौन आप, मैं क्यों परिवार हूँ भाई, ट्विटर पे लिख रखे हैं मोदी के परिवार, कहा लिखा कोई कुछ भी लिख ले, मोदी जी लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है, लोग गढ़ से कह रहे हैं मोदी का परिवार, कल चौकीदार है, दुनिया में डंका बज रहा है, डंका बज तो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, हाँ तो परिवार है तो क्या, गोल्ड मेडलिस्ट जो खिलाड़ी होती है उन शोषण करते हैं, तो परिवार के लोग हैं, परिवार की बेटियों का बलात्कार करने के चक्कर में रहते हैं, तो ये परिवार है, और अपनी पत्नियां लाते हैं बहुत से, शादी कर ले, शादी करके छोड़ देते हैं, ये कैसा परिवार है भाई, क्या बात है, क्यों नहीं विकास हुआ है, ये कैसा विकास हुआ, विरोध क्या करना भाई, बेबी किस लिए करी भाई, उसकी आत्मा तड़फा दी, इस बेबी के साथ शादी करी, उसके अरमान थे कि मेरे बच्चे होंगे, पर्सनल का पर्सनल लोगों की 140 करोड़ आवाम की बात सुन लो भाई, बात सुन लो, 140 करोड़ आवाम के पर्सनल निजी जिंदगी में इसके फैसलों ने, तो इसके फैसलों ने हालत खराब कर दी है, कहा जा साथ, साथ नहीं, आज अनाथ है देश की जनता, 140 करोड़ आवाम अनाथ है देश की जनता, कौन सा हिंदू राष्ट्र, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए लंडू राष्ट्र, लंडू राष्ट्र दोगे क्या, ये मेरी अभिव्यक्ति है, तुम लंडू राष्ट्र मांगो, हिंदू राष्ट्र मांगो, झंडू राष्ट्र मांगो, अगर कोई कहता है इस्लाम राष्ट्र चाहिए, खालिस्तान राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, या लंडूरा वो आतंकवादी है देशद्रोही, ऐसे लोगों को जेल में डालो, चाहे मैं भी मांगता हूँ मुझे भी जेल में डालो, ये भारत है, मेरी बात सुन लो, ये राष्ट्र भारत है, और भारत है, और भारत है, और भारत ही रहेगा, ये राष्ट्र भारत है, और बात राष्ट्र की नहीं है, बात है यहाँ लोगों के जीवन शैली की, पद्धति की, रोजगार कैसे मिले, देश कैसे आगे बढ़े, उन्नति कैसे करे, इस पर कोई बात करनी चाहता, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं रोजगार व्यवस्था कैसे आगे बढ़े, विश्वगुरु कैसे बने, विश्वगुरु कहाँ है भाई, अब हिंदू है कौन, ये विश्वगुरु का देश है, और इसराइल जा रहे हैं यहाँ के युवा 20-20 हजार की नौकरी करने, वो क्या करने, लैट्रिन साफ करने जा रहे हैं, स्लीपर बनने, ये है, ये हिंदू राष्ट्र के लोग जाएंगे लैट्रिन साफ करेंगे, मोदी जी के शासन में लैट्रिन साफ करने इसराइल की जा रहे हैं, समझे, उनके पिछवाड़े धोएंगे, हाँ ये हालत है हिंदू राष्ट्र की, ऐसा हिंदू राष्ट्र की कल्पना कौन करेगा भाई, नहीं मैं हिंदू नहीं, भारतीय हूँ, नंदा भाई कैसे देख रहे हैं कि माहौल क्या है 2024 का, और किसकी सरकार, सबसे बड़ी बात है किसी की सरकार नहीं बन रही, सरकार तो 140 करोड़ आवाम की है, और देश की जनता है जो 140 करोड़ आवाम, यही देश की सबसे बड़ी अदालत है, और फैसला लेगी, ईवीएम जो है ना, क्यों सरकार ईवीएम नहीं हटा रही, क्या दिक्कत है, और उनसे ईडी सीडी मेरे पास, ईडी सीडी सीबीआई जांच एजेंसी जांच हैंग, उन्होंने बोला है चुनाव आयोग का मुख्य न्यायाधीश जो अधिकारी है मेरे पास लिया, उसका दिमाग हैंग करके दिखा दूंगा, ईवीएम को छोड़ो, क्रांतिकारी लोग हैं हमें नहीं डर लगता, ना हिंदू ना मुसलमान, हम बात करते हैं इंसान की, देशवासियों की, भारतीयों की, सबको समान अधिकार मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान मिले, भारत का संविधान बचे, लोकतंत्र मजबूत हो, ऐसी हम व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारत के हर युवा की हर साथी की हम चाहते हैं कि रोजगार मिले इनको, और ये नहीं कि बहन बेटियों की इज्जत लूट लो, और फिर एक शेर सुना देता हूँ कि जरूरत है क्रांति की, देशवासियों को ईवीएम के खिलाफ पारदर्शी, जब भाई उनका हुजूम चल रहा है, डंका बज रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, पता चल जाएगा डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा, या फस उठ रहा है, आप तो वैसे भी जीत के आ जाओगे डंका बज रहा, तो बैलेट पेपर से आ जाओ, तो आज जरूरत है क्रांति की, तो मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुजदिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है,
दाना साग कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है।